ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट हो, जो कि 100% नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो और जिसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद 1 महीने के अंदर आपका स्पर्म काउंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। दोस्तों, जब आपका कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी में इश्यूज नहीं आ रहा है, आप काफी दिन ट्राई कर रहे हैं, 2 साल 5 साल 10 साल कॉन्टिन्यूसली आप ट्राई कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी जब नहीं आता है, तो हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को एक इनफर्टिलिटी, अच्छा सा इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ट्रीटमेंट कराने के लिए। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ट्रीटमेंट चालू हो जाने के बाद डॉक्टर हस्बैंड एंड वाइफ को काफ़ी सारा टेस्ट देते हैं, लेकिन हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट का नेम है सीमेन एनालिसिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल टेस्ट है। एक्चुअली इस टेस्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि आपका स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, स्पर्म का काउंट कितना है, मोटिलिटी कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसा है, वो एक्चुअली देखा जाता है। और ये जो टेस्ट है, यानी कि आपका बिना स्पर्म के फर्टिलाइजेशन नहीं बनता है, आपका प्रेगनेंसी में स्पर्म का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो टेस्ट है, एक्चुअली इस टेस्ट कराने के लिए आपको एक लेबोरेटरी में जाना पड़ता है या तो फिर किसी भी क्लिनिक में जाना पड़ता है इस टेस्ट कराने के लिए। और जब आप इस टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट मिलता है, उस रिपोर्ट में अगर आपको पता चल जाता है कि आपका सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में स्पर्म का काउंट बहुत ही कम आया है, यानी कि जिसको ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है, और साथों साथ अगर आप लोगों का सेक्सुअल डिजर्नेस का प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी कम है, उसके साथ अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम है, यानी कि प्रेगनेंसी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्टोस्टेरोन लेवल सही होना चाहिए। तो अगर आपको इतना सारा प्रॉब्लम अगर एक साथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा, 2023 में सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करने के बाद अगर आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका स्पर्म काउंट एकदम कम आया है, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया हो गया है, और साथों साथ इतना सारा प्रॉब्लम आ गया है, तो आप लोगों को कौन सा ऐसा बेहतरीन मेडिसिन लेना चाहिए जो कि ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट हो, जो कि 100% नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो और जिसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। और ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट आज ही का डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, काफ़ी सारा लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और इसका जो बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत सारा लोग को काफ़ी सारा बेनिफिट भी मिल रहा है, और बहुत सारा लोग इस प्रोडक्ट की मदद से वो प्रेगनेंसी का इशू आ जा रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रहा है। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट को लेने के बाद 1 महीने के अंदर आपका स्पर्म काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, एक्चुअली इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डिटेल्स क्या है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, और कहाँ से आपको परचेस करना है, इसका प्राइस कितना है, और कैसे आपको यूज़ करना है, इसका डोज वगैरह कैसा है, वो मैं आप लोगों को एक्चुअली बताऊंगा। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, आज के जो वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करके जरूर जाना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, मेरा नाम है अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है, इसका जो कंपनी का नेम है हिमालय, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट है, आप सभी जानते ही होंगे। हिमालय का एक प्रोडक्ट आता है, उस एक टैबलेट आता है, उस टैबलेट का नेम है स्पामेन टैबलेट। ये जो टैबलेट है 100% नेचुरल है और यहाँ पर आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक है, इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इस टैबलेट के अंदर एक डब्बा आता है, डब्बा के अंदर 60 टैबलेट आता है, और ये जो 60 टैबलेट है, इस टैबलेट का जो प्राइजेस आता है मिनिमम 200 के आसपास हो जाता है, यानी कि 180-90 या तो फिर 200 के आसपास पड़ जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, आपका नज़दीकी किसी भी मेडिकल स्टोर से, या तो फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 1MG और भी काफ़ी सारा वेबसाइट है, आप वहाँ से इसको परचेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है, इसका डोज को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका बेनिफिट के बारे में बात करूंगा। देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी सारा इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। यहाँ पर नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका नेम है कोकिलक्सा। देखिए, एक्चुअली कोकिलक्स का काम क्या है, देखिए आपका सीमेन का क्वालिटी अगर बेकार सा टाइप का हो जाता है, आप देखोगे आपका सीमेन का क्वालिटी अगर बहुत ही थिक टाइप का हो गया है, बहुत ही लिक्विड टाइप का हो गया है, यानी कि तरल टाइप का हो गया है, सीमेन का क्वालिटी बेकार टाइप का हो गया है, तो कोकिलक्स का काम है एक्चुअली आपका सीमेन का डेंसिटी को बढ़ाने में इम्प्रूव करता है, आपका सीमेन का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट्स है,
कपी काचू। देखिए एक्चुअली कपी काचू का काम क्या है, देखिए आपका बॉडी में जो हॉर्मोन्स का लेवल होता है, कपी काचू को लेने के बाद आपका बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद आपका ब्रेन में जो प्लेजर सिस्टम है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है, आपका ब्रेन में जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है उसको रिलीज करने में मदद करता है। इसकी वजह से आपका शरीर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हॉर्मोन्स का लेवल सही हो जाएगा तो आपका प्रेगनेंसी आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद लास्टली जो इन्ग्रीडियंट्स है गोकसुरा, देखिए जो गोकसुरा है काफ़ी सारा इसका बेनिफिट्स है। जैसे कि यहाँ पर मान के चले कि अगर आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिजायरनेस कम है, उसके अलावा आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, उसके अलावा आपका स्पर्म का काउंट भी काफ़ी ज़्यादा लो आया है, यानी कि जिसको ओलिगोस्पर्मिया भी बोला जाता है, तो इतना सारा काम एक साथ कर लेता है गोकसुरा, यानी कि गोकसुरा को लेने के बाद इतना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दोस्तों और भी कई प्रकार का यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स है, तो इतना सारा इंग्रेडिएंट्स एक ही प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। इस प्रोडक्ट का नाम है स्पामेन टैबलेट। स्पामेन टैबलेट को लेने के बाद आपका जितना सारा प्रॉब्लम है, जितना सारा प्रॉब्लम मैंने बताया वो सॉल्व हो जाएगा और आपका प्रेगनेंसी आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज ही का डेट में काफ़ी सारा लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और इसका बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, बहुत सारा लोग इसकी मदद से इसका प्रेगनेंसी आ गया है। तो इसलिए अगर आप लोगों का स्पर्म काउंट एकदम कम है, साथों साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम है, सेक्सुअल का प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपका प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप परचेस करके यूज़ करके भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्ट है, आप कहीं से भी इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं, जो कि 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसका साइड इफेक्ट आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लास्टली मैं बताऊंगा इसका डोज क्या है। देखिए ये जो डोज है इसको आपको लेने के लिए, अगर आपका ओलिगोस्पर्मिया हो गया यानी कि लो स्पर्म काउंट आया है, तो इसको आप ले सकते हैं, दिन में दो बार आप ले सकते हैं, दो टैबलेट आप ले सकते हैं, यानी कि सुबह को और शाम को, मॉर्निंग को और रात को आप दो टैबलेट ले सकते हैं, खाने के बाद आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 1-2 मिलियन या तो कि 3-4 मिलियन आया है, तो आप इसको दो टैबलेट एक साथ ले सकते हैं दिन में दो बार करके, यानी कि मॉर्निंग के टाइम और नाइट का टाइम खाने के बाद आप दो टैबलेट को दो बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसको ले सकते हैं। तो और एक चीज़ है, अगर आपको डोज को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं, डॉक्टर आपको बिल्कुल रिकमेंड करेगा इस प्रोडक्ट को, डॉक्टर भी जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप डॉक्टर को पूछ लीजिएगा, डॉक्टर आपको एक डोज बता देगा, डॉक्टर का हिसाब से डोज कैलकुलेट किया जाएगा, तो डॉक्टर आपको एक डोज बता देगा, उस डोज का हिसाब से आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टैबलेट है। और दोस्तों इस प्रोडक्ट को आपको फास्टली 1 महीने तक लेना है, 1 महीना लेके आपको देखना है कि आपका स्पर्म काउंट कितना परसेंट ग्रो हो रहा है, यानी कि आपको फास्टली सीमेन एनालिसिस टेस्ट करना है, उसके बाद देखना चाहिए कि आपका स्पर्म का काउंट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, उसके बाद आपको और 2 महीने तक लेना है, यानी कि कुल मिला के आपको 3 महीने तक लेना है, और 3 महीने तक लेने के बाद आपका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और प्रेगनेंसी के लिए आपका स्पर्म एलिजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जितना ज़्यादा समझाने का कोशिश की, उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए, लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को लेकर अगर आप लोगों के मन में कहीं भी जगह में कोई भी कॉन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप इसी वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वैसे भी अगर आप लोगों का मन में कोई भी कॉन्फ्यूजन हो रहा है, आप चैट वगैरह करना चाहते हैं मेरे साथ, उसके अलावा आपको सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे आप सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट भी सेंड कर सकते हैं, लाइव चैट भी कर सकते हैं, आपको जाना है सीधा इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इंस्टाग्राम आईडी पे जाना है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ चैट कीजिए, रिपोर्ट वगैरह सेंड कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा समझाने का कोशिश की है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।